क्वेश्चन का किस तरीके का पैटर्न इस पॉइंट में means, इस टॉपिक में से पूछा जाता है, so, सबसे पहले हम बात करते हैं, होता है उसका अगर हम उसको रे देखें मतलब जब हम उसको पिक्चर में देखते हैं तो हमें वो हम उसको इस तरीके से इस पिक्चर में उसको ड्रॉ करते हैं उसकी हम ये शेप कंसिडर करते हैं दैट इज अ डाइवर्जिंग लेंस ये डाइवर्जिंग लेंस है क्यों क्योंकि इसके ऊपर जो इंसिडेंट रे आती है उसको

रे डायग्राम ड्रॉ करने का एक uh, एक सीधा सा एक प्रिंसिपल है कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है दैट इज अ ऑब्जेक्ट ये मान लीजिए कि मैंने जो हेड लिया है दैट इज अ ऑब्जेक्ट अब इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी इंसिडेंट रे निकलेंगी लेकिन हम केवल दो इंसिडेंट रे को ही कंसिडर करते हैं दैट इज इंसिडेंट रे मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि हम हर रे जो इवन हमने अभी तक जितने डायग्राम डिस्कस करें उसमें हम सिर्फ दो जो इंसिडेंट रे हैं उनको कंसिडर करते हैं बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी रेस नहीं होती बाकी रेस भी होती हैं लेकिन हम सिर्फ उन्हीं दो रेस को कंसिडर करते हैं जिनके हमें पाथ पता है मतलब जिनका हमें कोई रूल पता है कि आफ्टर बेंडिंग वो जो रे हैं जो इमरजेंट रे हैं वो किस डायरेक्शन में जाएंगी हम केवल उन्हीं दो रेस को कंसिडर करते हैं और जहाँ उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहाँ पर वो दोनों इमरजेंट रे आपस में कटती हैं उसी पॉइंट को हम आ, कहते हैं कि वहां पर इमेज फॉर्मेशन है सो so, इस चीज को करने के लिए और इस तरीके के दैट मीन्स रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम सर्टन रूल फॉलो करते हैं उन्हीं रूल्स को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज अ रूल फर्स्ट अब इसका रूल फर्स्ट क्या है कॉन्केव लेंस के केस में रे जो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए रूल फर्स्ट है कि जब भी कोई जो इंसिडेंट लाइट है ये ये देखिए सबसे पहले इस पिक्चर में दैट इज अ लेंस ये एक कॉन्केव लेंस का पिक्चर है और ये जब लाइन देख रहे हैं दैट इज एक्स डैश एंड एंड वाई डैश दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस जो कि ऑप्टिकल सेंटर से दैट इज सी से होकर निकल रही है अब जब भी कोई इंसिडेंट रे दैट मीन्स ए डी है और रे जो है वो ए डी है जो इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चलती है जैसे आप देखिए ये जो ए डी है ये एक्स डैश वाई डैश दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस उसके समानांतर है उसके पहलर जा रही है तो जब भी ये लेंस पर जाकर टकराएगी ये है पॉइंट डी यहाँ पर आके वो लेंस पर टकराई और तो जैसे ही वो लेंस पर टकराती है उसके बाद उसमें बेंडिंग होगी जब वो बेंडिंग होगी मतलब उसका पाथ बदलेगा एंड इट फॉलोज द पाथ डी एक्स वो डी एक्स पाथ पे चली जाएगी जो डी एक्स है दैट इज इमर्जेंट रे जो आफ्टर बेंडिंग के बाद जो रे आती है उसको हम इमरजेंट रे कहते हैं अगर कोई व्यूअर दैट मीन्स टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड दैट मीन्स इस डायरेक्शन में अगर कोई व्यूअर खड़ा है और वो देख रहा है तो उसको ऐसा प्रतीत होगा उसको ऐसा महसूस होगा कि जो इमरजेंट रे आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस वो फोकस पॉइंट से आ रही है ऐसा उसको लगेगा अब हम जब डी को हम आगे प्रोट्यूट करते हैं और उसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये जाकर इसी फोकस पॉइंट पे मिलती है दैट इज अ रूल फर्स्ट रूल फर्स्ट क्या कहता है अ रे ऑफ लाइफ विच इज पैल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस एपियर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस यही चीज हमने आपको और वो जाकर बेंडिंग जो इमरजेंट रे होगी वो ऐसा अपियर होगा कि वो फोकस पॉइंट से आ रही है दैट इज अ रूल फर्स्ट नट अब आउट द रूल सेकेंड रूल सेकेंड कहता है कि अगर एक इंसिडेंट रे दैट इज ये जो ए एट इज ए सी तक देट इज अ इंसीडेंट uh, रही इंसिडेंट है, रहे हैं और ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है अगर उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ है और वो और वो ऑप्टिकल सेंटर से ही होकर गुजर रही है तो वो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी इसका मतलब है कि यहाँ इस पॉइंट पे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे अगर कोई इंसिडेंट रे आके टकराती है लेंस पर तो उसमें कोई बेंडिंग हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं वो एज सच स्ट्रेट निकल जाती है जैसे कि आप इस यहाँ पे देखिए वो उसी पाथ पे रहेगी कोई बेंडिंग नहीं हुई कोई उसकी दिशा नहीं बदली है वो उसी पाथ पर जा रही है दैट इज द रूल सेकेंड वन थिंग इज दैट कि इसके अलावा अगर कोई इंसिडेंट रे एलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इसका मतलब है अलोंग दिस डायरेक्शन दैट मीन्स एक्सडेस्ट वाई डैश यहाँ पे हम समानांतर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ हम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है अगर तब वो लेंस पे जाके टकराती है तब भी सेम थिंग होगी तब भी वो जो इंसिडेंट रे है वो आगे इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में निकल जाएगी वहां पर कोई बैंडिंग नहीं होगी क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ये जो रे है जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है वो भी इस लेंस पर पॉइंट सी पर ही टकरा रही है सो so, उसका भी वही होगा कि जो इमरजेंट रे है वो सेम uh, उसी पाथ को फॉलो करती हुई कोई उसमें बेंडिंग नहीं होगी और वो स्ट्रेट निकल जाएगी दैट इज अ रूल सेकेंड अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर दैट इज सी ऑफ अ कॉन्केव लेंस गो स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस उसके अंदर कोई बैंडिंग नहीं होती है वो स्ट्रेट सीधी सीधी निकल जाती है दैट इज अ रूल सेकेंड वट इज़ रूल थ्री रूल थ्री कहता है कि अगर कोई ये जो रूल थ्री है ये रूल वन का अपोजिट है ठीक रूल वन का ये उल्टा है जैसे कि आप अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं पहले कि अगर कोई इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है कि वो ऐसा उसका डायरेक्शन है कि वो फोकस की तरफ पॉइंट कर रही है जैसे आप देखिए ये है इंसिडेंट रे दैट इज़ अ ए डी अब ये जो इंसिडेंट रे है इसकी आप अगर इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे इसी इंसिडेंट रे को तो वो जाके फोकस पॉइंट पर मिलेगी इसका मतलब है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो फोकस की तरफ है

Going toward the focus of a concave lens, जो इंसिडेंट रे है।, है उसकी जो उसकी जो डायरेक्शन है वो फोकस की तरफ है देन आफ्टर जो उसमें बेंडिंग हो जाएगी देन इट बिकम्स पैलर वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर दिशा में वो आगे बढ़ेगी दैट इज द रूल थ्री अब इन्हीं तीन रूल पे दैट मीन वन टू एंड थ्री इन्हीं थ्री रूल्स पे बेस्ड हम कॉन्केव लेंस के केस में हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना बिफोर गोइंग टू जब इसका हम रे डायग्राम डिस्कस करते हैं उससे पहले इज दैट कि जो कॉन्केव लेंस की जो खासियत है अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई बुक है और उस पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं हम हम हमें टेस्ट करना है हमारे पास दो ग्लासेस हैं मीन्स दो, दो लेंस हैं एक है हमें नहीं पता कि कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉन्केव है अगर हमने एक लेंस को उस बुक के ऊपर रखा और हम अक्षर पढ़ने की कोशिश करें अगर वो में एनलार्ज नजर आते हैं तो वो है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस की खासियत ये है कि अगर आपने बुक को या ऑब्जेक्ट को विद इन द उसके फोकस के अंदर रखा है तो उसका जो इमेज बनती है वो एनलार्ज इमेज बनती है वाइल कॉन्केव के के केस में कॉनकेव अगर लेंस होगा तो उसके केस में हमेशा जो इमेज बनेगी वो डिमनिश्ड बनेगी मतलब जो अक्षर होंगे वो छोटे हो जाएंगे दैट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव लेंस एंड अ कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस के केस में जब भी दो हम केस डिस्कस करेंगे उन दोनों ही केस में आप देखेंगे जो इमेज बनती है वो डिम्निश्ड होती है मतलब जो ऑब्जेक्ट से भी छोटा साइज उसका होता है दूसरा दोनों ही केसेज में ये कॉन्केव लेंस की खासियत है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी इन्वर्टेड इमेज नहीं आएगी उल्टी इमेज नहीं आएगी बिल्कुल सीधी इमेज आएगी वाइल कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम जब हमने डिस्कस किया तो हमने देखा था कि वहां पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है बट कॉन्केव लेंस के केस में जो इमेज का नेचर है दैट मीन्स कि वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा और इसके साथ में डिमनिश्ड बनेगा ये चीज़ बिल्कुल सेम रहेगी यहाँ पर कोई फर्क नहीं आएगा कहीं भी आप कोई इन दोनों केसेस में हम जो देखेंगे भी कहीं आप नहीं देखेंगे कि कॉन्केव लेंस के केस में लार्ज इमेज बन रही है या दैट मीन्स इन्वर्टेड इमेज बन रही है ऐसा कुछ नहीं होता है कॉन्केव लेंस के केस में ये चीज़ हमेशा रहेगी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी और जो इमेज होगी वो डिमनिश्ड होगी अब क्या फ़र्क आएगा अगर हम इसके दो केसेज अब देखेंगे तो उसमें क्या फर्क आएगा फर्क आएगा सिर्फ इमेज की पोजीशन एंड उसका साइज साइज मतलब तो होगा लेकिन वो और ज्यादा होगा सो so, सो सिर्फ एक यही फर्क आएगा अदरवाइज नेचर उसका सेम रहेगा लेट अस डिस्कस द फर्स्ट केस जब हम अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी होता है एट फॉर ऑफ डिस्टेंस फॉर ऑफ डिस्टेंस मतलब बहुत दूर का डिस्टेंस जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है मीन्स हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि वो डिस्टेंस कितना है अब यहाँ क्योंकि हम पिक्चर में और रे डायग्राम में और पेपर पे हम इन्फिनिटी को शो नहीं कर सकते सो so देअर हम उसको एक फॉर ऑफ डिस्टेंस के रूप में ही लेते हैं मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर क्या है दैट इज अ ऑप्टिकल सेंटर सी और इन्फिनिटी हो गया कोई फॉर ऑफ डिस्टेंस जो हमें नहीं पता बहुत दूर का डिस्टेंस अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है वो है ए बी ये जो एरो आप देख रहे हैं दैट इज अब्जेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बियॉन्ड द फोकस पॉइंट रखा है मतलब दैट इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में यह ऑब्जेक्ट रखा है अब हम इसकी इमेज कैसे निकालेंगे सबसे पहले जैसे हमने बताया कि हम केवल दो जो इंसिडेंट रे हैं उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं जिनके हमें पाथ पता होते हैं जिनका हमें पता है कि वो पाथ मतलब दैट मीन्स कि आफ्टर इमरजेंट जब वो उनकी बेंडिंग हो जाएगी लेंस से टकराने के बाद तब वो किस डायरेक्शन में जाएंगे हम केवल उन्हीं दो इंसिडेंट रे को कंसिडर करते हैं बाकी सारे इंसिडेंट रे को हम इग्नोर कर देते हैं सो हेयर ऑल्सो हम जो यहाँ पर रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड इन दोनों रूल के मुताबिक हम यहाँ पर इंसिडेंट रे को कंसिडर करेंगे सो so सबसे पहले जो इंसिडेंट रे आ रही है दैट

किया था हम इसी लाइन को और डी एक्स लाइन को आगे इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे जैसे आप यहां पे जो डैश देख रहे हैं क्योंकि हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है टू मीट द फोकस पॉइंट इसको फोकस पॉइंट पे मिलाने के लिए अब ये हो गई हमारा पहली रे कि पहले री ने जो उसका पहला इंसिडेंट रे था उसने आफ्टर बेंडिंग कौन सा पाथ फॉलो किया दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट नाउ कंसीडर द सेकंड रे और ये जो सेकंड रे है ये रूल सेकंड फॉलो कर रही है जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकलती है तो वो उसके अंदर कोई बैंडिंग नहीं होती वो स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में आगे निकल जाती है सो so जैसे कि आप देखिए दैट इज अ सी दैट इज अ इंसिडेंट रे सेकेंड और जो क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर पे जाके इस लेंस पर टकराई है तो ये देखिए यही एरो हेड उसका डायरेक्शन नहीं बदला और वो आगे उसी डायरेक्शन सी वाई डायरेक्शन में आगे निकल गई सो so, अब आप देखिए ये जो दोनों इमरजेंट रे है डी एक्स एंड सी वाई दोनों डाइवर्जेंट हैं डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों कहीं भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं होंगी सो so, इनको इंटरसेक्ट करने के लिए हमने क्या कहा था हमने ये बोला था कि इमेज हम वही फॉर्मेशन इमेज के कहते हैं जहां पर ये दोनों इमरजेंट रे इंटरसेक्ट होती हैं अब इन दोनों रेज को इंटरसेक्ट करने के लिए इनको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे जैसे हमने डीएक्स को पीछे लेकर गए इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और ये जो सी है सी का बैकवर्ड डायरेक्शन देखें तो ये यह, यहां पर ये जो ए डैश पॉइंट है इस ए डैश पॉइंट पे आके दोनों इमरजेंट रे बैकवर्ड इंटरसेक्ट कर रही अ पॉइंट जहां पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी ये है ए डैश ए डैश क्या है ए-ए अ इमेज ऑफ पॉइंट ए अब पूरी इमेज बनाने के लिए हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये बन जाएगा ए डैश बी डैश सो ए डैश बी डैश इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी ए बी इज अ ऑब्जेक्ट और उसकी जो इमेज है वो ए डैश बी डैश है अब जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में भी ऑब्वियस है कि जो ये इसका साइज बना है वो डिमनिस्ट है डिमनिस्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट से छोटा साइज बना है इसकी ये इसका नेचर क्या है इसका नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल इमेज है और साथ में इरेक्ट मतलब सीधी इमेज है और पोजिशन क्या है दैट इज बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द ऑप्टिकल सेंटर सो दैट इज द फर्स्ट केज अगर हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन द इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिटवीन द बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस और उसका नेचर क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमनिस्ड लेट अस चेक नाउ लेट टॉक अबाउट द सेकेंड केस हम सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं अब जैसे कि हमने बताया कि केवल हम दो ही डिस् दो ही केस डिस्कस करेंगे कॉन्केव लेंस के केस में क्यों क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस का खास फर्क नहीं पड़ता है डिस्टेंस का कुछ इतना कुछ खास फर्क नहीं होता है क्योंकि सिर्फ जो उसकी पोजीशन है इमेज की वो टुवार्ड द फोकस शिफ्ट हो जाती है इससे प्रीवियस हमने क्या देखा था प्रीवियस हमने देखा था कि जो आ, इमेज बनी थी वो बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में थी अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एट इन्फिनिटी पे भी रख दिया दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज नाउ एट इन्फिनिटी कहीं बीच पे नहीं है सीधा इंफिनिटी पर है तब भी आप देखिए जो इमेज बनेगी वो फोकस पॉइंट पे बनेगी सो so, कितना भी आप उसको मूव कर लें उसका सिर्फ उसकी पोजीशन बदलेगी दैट मीन्स उसकी पोजीशन फोकस की तरफ शिफ्ट होती जाएगी और अल्टीमेट केस क्या है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनी पे प्लेस किया है तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पॉइंट पे जाकर बन जाएगी सो हेयर इज अ सेकेंड केस सो कहां पर इमेज बनी इमेज बनी फोकस पॉइंट पे इसका नेचर बिल्कुल सेम रहेगा दैट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड नाव जो ऑब्जेक्ट होगा जिसकी इमेज होगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी जैसे आप देखिए ये बिल्कुल पॉइंट इमेज आई है सो so, जो उसका साइज होगा वो बिल्कुल और छोटा हो जाएगा दैट इज अ टू पॉइंट और इसके यहाँ पे हम सिर्फ दो ही केस डिस्कस करेंगे क्योंकि ओवरऑल कॉन्केव लेंस के केस पे जो नेचर होता है वो सेम रहता है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी और दूसरा डिमनिश इमेज बनेगी फर्क क्या पड़ता है इसका अगर हम इसका पोजिशन बदलेंगे केवल जो इमेज की पोजिशन है वो टुवार्ड द फोकस शिफ्ट होती रहती है अदरवाइज और कोई फर्क नहीं आता है ना वट आर द यूज ऑफ कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंस के यूजेस क्या है उसको हमने डेली लाइफ में कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं सबसे बड़ा इसका जो यूज है वो है स्पेक्टिकल्स और जो चश्मे बनाने के लिए इसका यूज होता है टू करेक्ट दीज जो जो हमारा आई विजन है उसको करेक्ट करने के लिए माओपिया के केस में हम जो जो हमारे जो हम चश्मे पहनते हैं दैट इज कॉन्केव लेंस से मिलकर बने होते हैं दूसरा जो गैलीलियन टेलीस्कोप है उसके अंदर जो आई लेंस होता है दैट इज अप ऑफ द कॉन्केव लेंस का बना होता है तीसरा इसका सबसे बड़ा यूज है जो ड्रोन में जो स्पाई होल होता है और जो मीन्स uh, जो हम एक uh, Uh, मतलब बाहर का व्यू देखने के लिए कि बाहर कौन है गेट पे इसको देखने के लिए हम एक होल और एक स्पाय होल लगाते हैं जिसमें कुछ एक लेंस लगा होता है ये जो लेंस होता है दैट इज कॉनकेव लेंस सो दीज आर द यूजेस मेन यूजेस ऑफ द कॉन्केव लेंस नॉट कम टू द साइन कन्वेंशन इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक साइन कन्वेंशन को हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में डिस्कस नहीं करा था बट यहां पर हम साइन कन्वेंशन का जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्वेक्स लेंस साइन कन्वेंशन क्या होता है साइन कन्वेंशन होता है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टिशन सिस्टम के हिसाब से हमने ये ये जो साइन कन्वेंशन है इसको हमने मिरर का जब टॉपिक डिस्कस किया था वहां भी हमने डिस्कस किया था इसके जो प्रिंसिपल होता है वो सेम रहता है प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल ये है कि जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर उसको हमेशा हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं मतलब हम ओरिजिन जो है वो हम ऑप्टिकल सेंटर पे ही रखते हैं दूसरी चीज क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है उसकी डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस है विद इन मतलब सेम डायरेक्शन अब जैसे ये देखिए जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है वो ये डायरेक्शन है मतलब लेफ्ट टू राइट है तो जो कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे लेफ्ट टू राइट उसको हम पॉजिटिव लेंगे वाइल अगर हम कोई डिस्टेंस हम अपोजिट ले रहे हैं मतलब राइट टू लेफ्ट है कोई डिस्टेंस तो वो हमेशा नेगेटिव होगा थर्ड केस इज दैट कि अगर कोई पेंडिकुलर uh, मतलब कोई ob, कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज है अगर वो सीधी इरेक्ट है, मतलब दैट मीस परपेंडिकुलर पेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको हम पॉजिटिव लेंगे वाइल अगर कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमेज है मतलब इन्वर्टेड इमेज है उस केस में उसका जो हम साइन लेंगे उसको हम नेगेटिव लेंगे इन चीजों को हम मिरर के केस में भी सिमिलरली डिस्कस कर चुके हैं सो लेट अस स्टार्ट विद अ कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्वेक्स लेंस जैसे आप जानते हैं इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस ये जो पिक्चर है ये कॉन्वेक्स लेंस की पिक्चर है <coughs> वट इज द यू यू इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर दैट इज यू अब अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट कहाँ है दट इज अ ऑब्जेक्ट ये जो है ये जो एरोहेड है ये ऑब्जेक्ट है अब जो इंसिडेंट रे की जो लाइट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है मतलब वो इस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है लेफ्ट टू राइट लेकिन हम जब भी हम मेजर करते हैं डिस्टेंस तो उसको हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं मतलब ओरिजिन हम लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से दैट इज यू अब यू की यू का साइन क्या होगा दैट इज अंपॉर्टेंट थिंग यू का साइन होगा नेगेटिव क्यों क्योंकि ये देखिए ये रखा ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसकी पोजीशन है ए अब ये है ओ हम इसका ओरिजिन ऑप्टिकल सेंटर से ही कंसीडर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से ओरिजिन कंसीडर करेंगे इसका मतलब है इसका डायरेक्शन हो गया ऐसे फ्रॉम ओ टू ए तो यानी कि u क्या आ गया u हो गया नेगेटिव क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से अपोजिट है ना सेकेंड थिंग v v हम क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का केस डिस्कस कर रहे हैं इसमें दोनों इमेज बनती हैं रियल भी इमेज बनती है वर्चुअल भी इमेज बनती, बनती है जो रियल इमेज होती है वो होती है पीछे मतलब दैट मीन्स इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड वर्चुअल इमेज बनती है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस का अगर आपने वीडियो देखा हो तो वहां आप देखेंगे कि जो रियल इमेज बनती है दैट इज वो जो इमेज बनती है वो बनती है राइट हैंड साइड पर और वर्चुअल इमेज बनती है आगे की तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इमेज बनती है सो so, अगर रियल है तो सो so रियल के केस में क्योंकि रियल इमेज होगी समथिंग है सो so अब उसका हम जो डिस्टेंस लेंगे दैट मीन ये मान लीजिए ये इमेज है ये मान लीजिए कि दैट इज अ इमेज सो अब इसका पॉइंट है बी अब ये ओ बी क्योंकि हम ओरिजिन लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से सो देयर फॉर ओ बी सो ये देखिए सेम डायरेक्शन है सो देयर फॉर रियल के केस में जो वी है वो पॉजिटिव होगा वाइल वर्चुअल के केस में सिमिलरली जैसे ऑब्जेक्ट का केस हुआ है वैसे ही नेगेटिव होगा फोकल लेंथ फोकल लेंथ आप ये देखिए कि रियल के केस में जो अगर फोकस जो फोकल लेंथ अगर उसकी रियल है तो वो पॉजिटिव है वर्चुअल है सो तो वर्चुअल इसकी कोई भी वर्चुअल फोकल लेंथ नहीं होती है सो so, हमेशा हम उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द इमेज अगर अगर वो दैट मीन्स कि रियल है तो वो इन्वर्टेड होगा जब भी रियल इमेज बनती है तो वो उल्टी इमेज बनती है क्योंकि वो उल्टी इमेज बनेगी दैट मीन्स इस तरीके से अगर उल्टी इमेज बनेगी तो हमेशा हम उसको नेगेटिव लेंगे वाइल अगर वर्चुअल बनेगी तो वो इमेज हमेशा erect हो इरेक्ट होगी इरेक्ट होगी तो उसको हम दैट मीन्स इस तरीके की सीधी इमेज अवट डायरेक्शन में तो उसको हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस केस ना कम टू द कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंस के जैसे हमने केस पे देखा कि यहाँ पर जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और हमेशा डिमनिस्ड बनती है सो so, यहाँ पर ये देखिए यू यू मतलब ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा हम नेगेटिव लेके चलेंगे ये देखिए ये है ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट ये है हमारा इंसिडेंट ड्रेक की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हमेशा यू की डायरेक्शन उल्टी रहेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने या तो देट uh, मीन्स इधर प्लेस करेंगे या एट इंफिनिटी प्लेस करेंगे दोनों ही केस में जो यू होगा वो नेगेटिव आएगा वी और जो और जो इमेज की आ, मतलब जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे कोई रियल इमेज तो बन नहीं रही है वर्चुअल इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज मतलब दैट मींस टूट द लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी डिस्टेंस होते हैं उसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं सो देअर फोर इन दिस केस ऑल्सो वी जो होगा वो नेगेटिव आएगा फोकल लेंथ इस केस में कोई रियल फोकस नहीं होता है सो देयर फोर यहाँ पर इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव हाइट ऑफ द इमेज क्योंकि हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी मतलब सीधी अव्वर डायरेक्शन में इमेज होगी सो देर फोर उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे जब भी इमेज अव्वर डायरेक्शन में है और वो इरेक्ट है इसका मतलब है उसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरह दैट मीन्स अव्वर्ड डायरेक्शन है अव्वर्ड डायरेक्शन में हम हमेशा उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं वाइल इन्वर्टेड इमेज केस में मतलब कि उल्टी इमेज है सो so वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है सो देअर फोर उसको हम नेगेटिव लेकर चलते हैं सो दैट इज अबाउट द साइन कन्वेंशन इज द इमेज डिस्टेंस दैट इज अमेज डिस्टेंस ये इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर यू यू इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ इज अ फोकल लेंथ लेंस फार्मूला ये बिल्कुल मिरर फॉर्मूला जैसा ही है बस फर्क क्या है मिरर फॉर्मूला में क्या था बीच में प्लस का साइन था दैट इज अर दैट इज अरर फार्मूला वन अपॉन वी डिवाइडेड बाय वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ दैट इज अरर फार्मूला लेकिन जो लेंस फार्मूला है उसमें बस एक यही फर्क है कि माइनस साइन आ जाता है सो दैट इज लेंस फार्मूला अब यहाँ पे क्या होगा? इसका भी बिल्कुल मिरर के केस जैसा सेम इमेज दैट मीन एच टू डिड बाई एच वन सो दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला एंड अनदर फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज द इमेज डिस्टेंस दैट इज वी अपॉन यू यहां पर क्या फर्क है अगर आपको मीन uh, अगर आपने मिरर का पार्ट देखा हो तो वहां पर इस केस में एक माइनस साइन आता है अगर हम मिरर का हम देखें तो मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन है दैट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू लेकिन लेंस के केस में बस यही फर्क होता है कि ये माइनस साइन नहीं होता दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू सिंपली कोई साइन यहां पर नहीं है लेकिन मिरर के केस में माइनस वी अपॉन यूट देट इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला सो ये जो हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किए हैं एक्चुअल में उनका पर्पज़ यहाँ पर हम जब जैसे कि हमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया होता है और वहाँ से हमें इमेज की पोजिशन निकालनी होती है वहाँ पर हम जब रे डायग्राम के हिसाब से ही करते हैं और इसके साथ में हम साइन कन्वेंशन को दिमाग में रख के काम करते हैं मतलब साइन कन्वेंशन को लेना यहाँ पर जरूरी है अदरवाइज वी एंड अप विद द रॉन्ग आंसर नाउ यहाँ पर हम टू इसके दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बायकेव लेंस इज ऑलवेज मोर देन वन इक्वल टू वन लेस देन वन मोर देन वन और लेस देन वन जैसे आप जानते हैं कि जो कॉन्केव लेंस का जो हमने इस सेशन में डिस्कस करा है कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा जो इमेज बनती है वो डिमनिश बनती है मतलब जो इमेज का साइज होता है वो हमेशा uh, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से कम होता है सो so, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है देट इज इक्वल टू एच टू डिड बाई एच वन एच टू इज द इमेज का साइज है दैट इज अ इमेज का साइज है और H1 क्या है दैट इज अ ऑब्जेक्ट। सो अब हम कह रहे हैं कि ये वाला ऊपर वाला जो है पोशन ये हमेशा कम होगा और डिनोमिनेटर ज्यादा होगा सो so जब भी डिनोमिनेटर लार्ज होगा और ऊपर वाला पोर्शन कम होगा सो so, ये आप जानते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में नंबर ज्यादा होता है सो so हमेशा जो आंसर आएगा डिवाइड करने पे वो हमेशा लेस देन वन आएगा सो देर फोर इसका आंसर हो गया सी दैट इज द लेस देन क्योंकि लेंस के केस में जो इमेज बनती है वो दोनों ही केस में डिमिश बनेगी हमेशा उसका साइज ऑब्जेक्ट से कम होगा सो देयर फोर दैट इज जो मैग्निफिकेशन होता है दैट इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन मतलब साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्योंकि इमेज साइज कम है और ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का साइज कहाँ पे डिनोमिनेटर में है सो so, जब भी डिनोमिनेटर में लार्ज क्वांटिटी होती है और ऊपर वाले पोर्शन में स्मॉल क्वांटिटी होती है सो so, डिवाइड करने में जो आंसर आता है दैट इज ऑलवेज लेस देन वन कुछ भी हो सकता है बट नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन वो हमेशा एक से कम होगा सो देयर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हेर इज अनदर क्वेशन इफ अ मैग्निफिकेशन ऑफ माइनस वन इज टू बी ऑप्टेड बाई यूजिंग अ कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग कौन सा होता है कॉन्वेक्स so, यहां पर जो बात हो रही है वो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात हो रही है और जो मैग्निफिकेशन है वो हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन के इक्वल मैग्निफिकेशन है इसका मतलब है वन का पोर्शन है वन मतलब कि साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है फोकल लेंथ हमें गिवन है that 12 सेंटीमीटर दैन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए जिससे कि मैग्निफिकेशन जो है वो वन आए दैट मीन्स कि उसका साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम हो सो so, अगर आपने जो ये कॉन्केव लेंस का वीडियो आपने देखा हो से से जो हमने डिस्कस किया था सो so, वहां पर एक केस आया था दैट इज कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पोजीशन पे 2f पोजीशन मतलब फोकल लेंथ की दुगने ये मान लीजिए इसको रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं दैट इज अ फोकल लेंथ मान लीजिए ये f है सो so, 2f हो गया नियरली हियर अगर हम इस पोजीशन पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो जो इसकी इमेज बनती है वो एग्जैक्टली exactly जाके पीछे जाकर बनेगी एंड दैट इज अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज और बिल्कुल सेम साइज की इमेज बनेगी बिल्कुल जो साइज इसका होगा वो साइज इस इमेज का होगा और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी सो so, जो माइनस साइन आया है जब भी मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में माइनस साइन आता है सो so इसका मतलब होता है कि जो इमेज है वो रियल है एंड इन्वर्टेड इमेज आई है दैट इज अबाउट द नेचर अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाए जिससे कि इस तरीके का हमें मैग्निफिकेशन हो मतलब बिल्कुल साइज सेम आना चाहिए जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज का साइज होना चाहिए सो देर फोर दैट इज दैट मींस एट टू एफ का डिस्टेंस इस डिस्टेंस पे प्लेस करने पर हमें जो है इमेज जो बनेगी वो बिल्कुल सेम साइज की इमेज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी यहां पर हमें क्वेश्चन में रियल इन्वर्टेड नहीं दिया लेकिन ये जो माइनस साइन दिया है मैग्निफिकेशन का ये हमें बता रहा है कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है सो दैट मींस टू इंटू एफ तो यहाँ पे हमें एफ दिया हुआ है बारह सेंटीमीटर का तो उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इट इज आंसर आएगा वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसका मतलब है कि 24 पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ द लेंस मतलब लेंस के सामने ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसको प्लेस करने पर जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी मतलब उल्टी इमेज आएगी और इसके साथ में बिल्कुल साइज सेम होगा सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इस तरीके के और क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं वो इन कंपिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्केव लेंस इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे लाइट में दैट इज अ डिस्पर्शन एंड द स्केटरिंग विद दिस नोट वी एंड आर सेशन सो इस टॉपिक रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल दिस इज आर ट्विटर हैंडल लिख दिस इज आर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट सो विद दिस नोट थैंक्स थैंक्स फॉर लिसनिंग मी है नाइस डे